विधायकों के, और उन्होंने आप सबसे भी कहा है मैं वैधानिक पहलुओं को विचार करके जवाब देता हूँ, हम प्रतीक्षा करेंगे। कितने विधायकों के इस्तीफे आप लोगों ने सुने? अभी एक साथ एक बंच में तो 19 है, पर और आ रहे हैं 3-4 उनके पास। माना जाए करीब 25 विधायकों के इस्तीफे होंगे, मेरे ख्याल से 22-23 के आए हैं। 22-23 के आए हैं। कुछ और विधायकों के जुड़ने की बात चल रही है, इस्तीफा देने की बात चल रही है? क्या लगता है कि आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधानमंडल विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा? नहीं, कदापि नहीं, इसके लिए बैठक नहीं, वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के लिए, भविष्य की संभावना। कब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं आप लोग? हम क्यों आएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव, जो सरकार हमें मालूम है अपने बोझ से गिरने वाली है, उसका मरना तय है, हम 302 क्यों लगवाएंगे? मतलब आप चाहेंगे कि वो इस्तीफा दें स्वयं? कौन वो दें, ये उनका लुकआउट है, जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत वो अपने आप काम करते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तो पार्टी तय करती है, मैं और आप कैसे तय करते हैं? पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यही विशेषता है। धन्यवाद नरोत्तम जी हमसे बात करने के लिए। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ, सर बैठक में क्या हुआ? बातचीत हुई थी, हमने निवेदन किया था महासंधि से अध्यक्ष जी से, और उन्होंने अध्यक्ष जी ने कार्रवाई करने का। लेकिन क्या लग रहा है सर आपको, क्या लग रहा है सर आपको? मुझे लगता है स्वीकार हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कहा जाता है कि उपस्थित होना चाहिए विधायक को खुद। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने शायद पढ़ा नहीं है वो नियम। ये कांग्रेस ने कहा है सर ये नियम, ठीक है। कांग्रेस के बारे में प्रतिक्रिया देने खड़ा नहीं हुआ, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, वो तो कह रहे थे हमने हॉर्स ट्रेडिंग करी है, हमने बंधक बना के रखी। विधायकों ने आके कहा ना कि ये झूठ बोल रहे, झूठ के आधार पर जो पार्टी खड़ी है उसका हाथ ऐसा ही होना था जो हो रहा।